ठीक है, देखो ध्यान दो, आगे समझे। अब देखो हम लोग यहां तक पहुंच गए, ठीक है। देखो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये हमको मिला मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व। देखो ध्यान दो, अब एक्चुअली ये टर्म पॉजिटिव वैल्यू है, जो देखो राइट हैंड साइड है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगा है मॉड, मॉड का मतलब वो क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब राइट साइड भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। ध्यान दो एक्चुअली लेफ्ट साइड पर मॉड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड को भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व को क्या होना चाहिए बोलो पॉजिटिव होना चाहिए। सिंप्लीफाई करें देखो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व पॉजिटिव, तो एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस फोर, माइनस थ्री कॉमन लिया एक्स प्लस फोर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। देखो ये हुआ एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू जीरो। देखो लाइन ड्रॉ कर दें, एक्स की वैल्यू हो गई माइनस फोर, देखो एक्स की वैल्यू हो गई थ्री, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो यहां पर डॉट आएगा, यहां पर डॉट आएगा, वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव चाहते हैं। देखो क्या हुआ, लेसर इक्वल टू माइनस फोर या ग्रेटर इक्वल टू थ्री पर ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो अब देखो ये पूरा टर्म, ये पूरी इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये साइड पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये साइड तो हमेशा पॉजिटिव है और दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर होने का मतलब ये हुआ कि इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर इसको पॉजिटिव किया तो देखो हमें एक्स की वैल्यू ये मिल गई। अब देखो ध्यान दो, जो मॉड के अंदर टर्म है उसको ध्यान दें हम, देखो जो मॉड के अंदर है देखो, अब यहां पर देखो ध्यान दो, मॉड के अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये वैल्यू है। अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम एक्स को थ्री से ज्यादा लें, जैसे मान लो अगर हम एक्स को थ्री से ज्यादा लें, मान लो एक्स को फोर ले लें तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऐसे एक्स को थ्री से ज्यादा कुछ भी ले लो आप, है ना, एक्स को थ्री से ज्यादा कुछ भी ले लो तो देखो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा, इसको भी चेक कर सकते हो। तो कैसे, अगर हम ध्यान दें तो इसको पॉजिटिव अगर करना चाहें तो देखो इसमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, देखो ये आ गया वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, ऐसे करके आया। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म हो गया वन प्लस रूट फाइव बाई टू, एक हो गया वन माइनस रूट फाइव बाई टू, देखो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, इसका मतलब अगर x इससे बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा। देखो x तीन से बड़ा है, अगर x तीन से बड़ा है इसका मतलब x इससे भी बड़ा है, ध्यान दो, है ना। अगर x यहां पर देखो, क्योंकि ये टर्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब ऐसा होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, और इसके पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि x थ्री से बड़ा होगा या माइनस फोर छोटा होगा। अब देखो अगर आप x को थ्री से बड़ा ले रहे हो, जो लेना मजबूरी होगा, क्योंकि देखो राइट साइड को पॉजिटिव होना चाहिए, तो राइट साइड को पॉजिटिव बनने के लिए ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक्स लेसर इक्वल टू माइनस फोर या एक्स ग्रेटर इक्वल टू थ्री हमें लेना पड़ेगा, तब हमारा देखो ये वाला साइड पॉजिटिव होगा। तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू थ्री या एक्स लेसर इक्वल टू माइनस फोर हमको लेना पड़ेगा, ध्यान दो। तो देखो अगर हम कहते हैं कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू थ्री है, तो अगर एक्स थ्री से बड़ा है इसका मतलब x इस नंबर से बड़ा होगा, कंफर्म है, और अगर x माइनस फोर से छोटा है इसका मतलब x इस नंबर से भी छोटा होगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन आ रही है ग्रेटर इक्वल टू थ्री लेसर इक्वल टू माइनस फोर के लिए, इस कंडीशन के लिए ये टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन हमें लेके चलनी है, इसको बिना लिए आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एक्स ग्रेटर देन थ्री या एक्स लेस देन माइनस फोर को लेना पड़ेगा, और अगर हम x की ये वैल्यू लें ग्रेटर देन 3 या लेस देन माइनस 4, तो देखो इन दोनों वैल्यूज के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये टर्म भी पॉजिटिव होगा,
यानी इन दोनों वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ग्रेटर देन जीरो करके देखा ये दो वैल्यू मिली तो हम समझ गए अगर x इससे बड़ा है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, अगर x इससे छोटा है तब भी ये टर्म पॉजिटिव होगा। और एक्चुअली हमारा x 3 से बड़ा है ये हमको मालूम है पहले से, अगर x 3 से बड़ा है तो इसका मतलब x इससे ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है बोलो, ये वैल्यू है 1 + 2.5/2, तो ये वैल्यू 3.5/2 है, यानी ये वैल्यू जो है वो लगभग ये मान लो 1.7 के आसपास है, और हमारा x 3 से बड़ा है इसका मतलब x इससे बड़ा हो गया, ये कंफर्म है। अच्छा इसी प्रकार देखो इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू क्या है 1 - 2.5/2 तो हो जाएगा -1.5/2, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये लगभग माइनस देखो 0.7 समथिंग के बराबर है, तो इसका मतलब x को इससे छोटा होना चाहिए और x -4 से छोटा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ऑटोमेटिक यहां पर फॉलो करेंगी, यानी कि इस वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं इसका मॉड भी हटा देंगे, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। फिर समझो ध्यान से, एक्चुअली ये मॉड इसके बराबर है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, और इसको पॉजिटिव करना पड़ा तो जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव किया एक्स की ये कंडीशन मिल गई, तो x की जो कंडीशन है इस कंडीशन के लिए एक्चुअली ये टर्म भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस कंडीशन में होगा, और अगर हम ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं इसका मतलब ये ऑटोमेटिक पूरी हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं x इससे बड़ा हो और x हमारा 3 से बड़ा है, तो अगर x 3 से बड़ा है तो इसका मतलब x इससे भी बड़ा हो गया, और हम चाहते हैं x इससे छोटा हो और x हमारा -4 से छोटा है, तो अगर x -4 से छोटा है तो x इससे भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म x की इस वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मॉडुलस भी इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का मॉड x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमने इसका मॉड हटा करके ये वैल्यू यहां पर लिख दी। अब इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि इन कंडीशन के लिए ये अपने आप ही पॉजिटिव हो रहा है, तो अब देखो x स्क्वायर कैसे लोगे क्या हो जाएगा, देखो इधर आएगा तो -2x बराबर हो जाएगा -11, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो 11/2, तो हमें इस क्वेश्चन का अकेला देखो ये आंसर यहां पर मिला, नोट करो सब बच्चे काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो।